देख लो पापा सही है क्योंकि जहाँ तो अरे वो सुना था ना सोना लगता है यार दोनों सेट आते हैं ये फोटो देख ले गाल लगी है ठीक है ठीक है बिल्कुल ठीक अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, खैरियत से। सबसे पहले तो आपको बताऊं कि शॉपिंग हो गई है बारबेक्यू के लिए, जो शॉपिंग करनी थी, क्योंकि आज छोटा सा एक बारबेक्यू अरेंज किया हमने दोस्तों ने, जो हम यहाँ पर देसी दोस्त रहते हैं, मैं और मेरे एक दो दोस्त हैं, ज़्यादा दोस्त नहीं है। बारबेक्यू का प्रोग्राम इसलिए बन गया कि जब भी लंदन में थोड़ी सी धूप निकलती है या गर्मी पड़ती है तो लोग क्या करते हैं, या तो बीच पर जाते हैं या फिर बारबेक्यू करते हैं गार्डन में। एग्जैक्टली यही आज हम लोग करने वाले हैं, बारबेक्यू। और पाकिस्तान में सुना है बहुत गर्मी पड़ रही है, जुलाई का महीना है तो गर्मी पड़नी तो है, लेकिन बहुत ही गर्मी पड़ रही है। तो अल्लाह रहम करे हमारे अपने पाकिस्तानी जो मेरे भाई हैं बहनें वहाँ पे रहते हैं, अल्लाह उन पर रहम करे यार, बहुत गर्मी पड़ी वहाँ पर। मैंने आज सुना है 40+ सेंटीग्रेड जा रहा है। एनीवे क्या करते हैं, आपको दिखाता हूँ अभी कि जो मैं ये शॉपिंग करके आया हूँ आदिल कैश एंड कैरी से, वो आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या हो रहा है। पाकिस्तानी जो दोस्त हमारे काम कर रहे हैं वो किस तरह जो है तो सर्व करते हैं, क्या करते हैं, बेहतरीन शॉप है, बहुत ही ज़बरदस्त। वहाँ पे दोस्त हमारे काम करते हैं, वो जो मीट सेक्शन है वहाँ पे वो लोग सर्व करते हैं, उन्हीं से ही मैं अभी जो है तो बारबेक्यू के लिए सौदा सारा लेके आया हूँ। पहले आप लोग जाके वो देखें कि वहाँ की जो मैंने क्लिप बनाई है, पहले वो देख के आओ। ये जनाब लंदन में पाकिस्तानी शॉप, ईस्ट लंदन में, यहाँ पे हर किस्म की पाकिस्तानी चीज़ें आपको मिलेंगी, हर किस्म की पाकिस्तानी सब्ज़ी यहाँ पे आपको मिलेगी। ये आप लोग देख सकते हैं करेले पड़े हुए हैं, भिंडी, प्याज भी पड़े हुए हैं, साथ साथ आपको और भी बताते हैं यहाँ पे हर किस्म की सब्ज़ी पड़ी है। और अब आपको थोड़ा दुकान के शॉप के अंदर लेके जाते हैं। ये शॉप के अंदर हर किस्म की आपको चीज़ मिलेगी यहाँ पे ईस्ट लंदन में वॉल्टन स्टोर में। ये शॉप है पाकिस्तानी, हर किस्म की जो चीज़ भी आपको चाहिए यहाँ पे इस शॉप पे आपको मिलेगी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सब हर किस्म की दालें पड़ी हैं, यहाँ पे सारे जो है तो बासमती चावल पड़े हुए हैं। वो सामने जो है अगर आपको दिखाऊं, सामने हलाल मीट जो है तो वो बिक रहे हैं, लैम, चिकन, बीफ, सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा हलाल। आपको करीब से दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पे हर किस्म का। मैंने भी अभी अपने बारबेक्यू के लिए लिया है। हर किस्म के मसाले यहाँ पे पड़े हुए हैं, यहाँ पे आपको ये भी मिलेंगे अगर आपने पराठे बनाने हैं। यहाँ पे पाकिस्तानी आपको माउंटेन व्यू भी मिलेगी। ये अभी मैंने अपने लिए सौदा लिया सारा बारबेक्यू का इसी शॉप से। चॉप्स भी हैं, चिकन भी है, टमाटर, गार्लिक एंड जिंजर पेस्ट। अभी देखते हैं क्या बिल बनता है इसका। सर जी बिल बढ़ाओ, 2743। यहाँ पे पाउंड कमाते हैं और इसी तरह पाउंड से जाते भी यहाँ पे 30 पाउंड। ओके जी, मिलते हैं आपसे घर में। अच्छा भाई, मैंने तो लैम को धो लिया,
साफ साफ उसको कर दिया सारा। और एक पीस दिखाता हूँ आपको, ये देखें। और चिकन को भी एक एक दो में पीस चिकन के भी लिया था, क्योंकि चिकन भी चलता है बारबेक्यू में, लेकिन मोस्टली जो है तो यही चलेगा। इनको अभी मैं मसाला लगाता हूँ। मसाले के लिए भी सब कुछ रेडी है, सारे मसाले भी पड़े हैं, तंदूरी मसाला भी लेके आया हूँ, और गार्लिक जिंजर पेस्ट भी है। हाँ देख लिया आप लोगों ने। और ये भी साथ दही भी है, योगर्ट, साल्ट, पेपर, सारे मसाले जात रेडी हैं। मसाला लगाते हैं इनको। अब मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ बारबेक्यू के मसालों में, लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि अच्छा मसाला लग जाए। वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, वो अगले ब्लॉग में आपको पता चलेगा कि मसाला कैसा लगा था। अभी आप लोग जाके पता क्या करो, जब तक मैं ये मसाले का स्टार्ट करता हूँ, आप लोग जाके देखो कि जो बारबेक्यू के लिए इम्पोर्टेंट चीज़ होती है पेप्सी, ठंडी पेप्सी या कोक, वो टेस्को से जाके लिए। वो भी एक क्लिप है, वो भी देख लो। इतनी देर में ये मसाले शुरू करता हूँ इसके। अच्छा भाई, अभी हम लोग आ गए हैं पेप्सी या कोक लेने यहाँ पे, क्योंकि बारबेक्यू में पेप्सी तो होनी चाहिए। आप लोग देखें कितनी पेप्सियाँ और कोक पड़ी हैं, जितनी आपको चाहिए आप ले सकते हैं। अभी हम लोग टेस्को में आए हैं, टेस्को में सुपर मार्केट है, यहाँ पे सब कुछ पड़ा हुआ है। यहाँ पे जिस किस्म की आपको ड्रिंक चाहिए, फांटा, पेप्सी, सेवन अप, जूसेस, सब कुछ यहाँ पे पड़ा। तो अभी क्या करते हैं, एक कोक ले लेते हैं या पेप्सी, और जाके बारबेक्यू रेडी करते हैं। अच्छा भाई, अभी क्या करना है इसको, जैसा कि मैं आपको कहा मसाले लगाने, पेप्सी और वो कोक तो मैंने ला के फ्रिज में रख दिए, थोड़ी ठंडी हो जाएगी। इसको अभी मैं मसाले लगाता हूँ, चिकन एंड मीट को। और दोस्त आने लगे हैं, अभी आपको थोड़ा गार्डन का भी बताता हूँ, वहीं पे व्लॉग फिनिश करेंगे वो, इसलिए कि नेक्स्ट व्लॉग जो है तो बारबेक्यू का होगा, जो हमारी गैदरिंग हो रही है दोस्तों की, वो आप लोगों ने ज़रूर देखना है। पहले आप लोग गार्डन का देखो और वहीं पे ब्लॉग को फिनिश करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब कुछ करो। अपना बहुत ख्याल रखो, अल्लाह हाफिज़। ये जनाब हम लोगों का छोटा सा बैक गार्डन, यहाँ पे जो है तो बारबेक्यू अभी होना है। चेयर्स मैंने सारी रेडी कर दी हैं बारबेक्यू को, इसको आपको दिखाता हूँ यार। इसको थोड़ा भी क्लीन करना है, और इसमें ये जो पड़े हुए चारकोल कोयले, ये अभी इसमें डालेंगे, लाइट अप करेंगे। ये सब कुछ आपको नए ब्लॉग में देखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और नेक्स्ट ब्लॉग ज़रूर देखना है वो, इसलिए कि उसमें ही सारा शुगर लगेगा। दोस्त आ रहे हैं सारे, अल्लाह हाफिज़।